आज अपन प्राइमेट जॉब के बारे में बात करेंगे और प्राइमेट कंपनी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, काफी अच्छी अपडेट होगी। कई विद्यार्थी हैं जो गांव से रहने वाले हैं और वो पार्ट टाइम जॉब के लिए या फिर प्राइमेट जॉब के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों को पैसा कमाना है या फिर थोड़ी पढ़ाई के साथ साथ कुछ पैसा भी आप लोगों को कमाना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं या फिर आप इस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो आप रोज के 500 से 300 या फिर 800 रुपए पर डे कमा सकते हैं। किस तरीके से कमाना होगा इसके लिए आपको करना होगा इसमें आवेदन, और आवेदन के लिए आपके पास ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर होना जरूरी है। आपको बता दें कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई पैसा खर्च नहीं करना, क्योंकि स्टूडेंट के लाइफ में पहले ही पैसे की तंगी है और पैसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं देना। चाहे भले ही आप 8वीं पास क्यों ना हो, चाहे भले ही 10वीं पास क्यों ना हो या फिर 12वीं से ग्रेजुएशन तक की क्वालिफिकेशन क्यों ना हो, तो आप सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर से कहूँगा कि आप ये मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं और आज से और अभी इसमें अप्लाई करें। एक बार अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। आपकी सिटी, आपके शहर में भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि आपके आसपास कोई बड़ी सिटी है तो आप वहाँ पे जाके खुद अपना, इसके हेड ऑफिस पे जाके खुद अपना रिज्यूम वहाँ पे दे सकते हैं। अगर वहाँ पे नहीं देना चाहते तो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है ये आज अपन वीडियो के जरिए बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, चाहे भले ही महिला हो चाहे भले ही पुरुष हो, सभी के लिए आवेदन होगा। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आप अलग राज्य से हैं, आप सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिएगा, मैं ऑफिशियली साइट पे जाऊंगा, ये चीज़ आप फ़ोन से भी कर सकते हैं। फ़ोन से क्या करना है आपको बता देते हैं। आप लोगों को एयरटेल कैरियर पे क्लिक करना है, यानी कि आपको गूगल पे एयरटेल कैरियर दिखना है और एयरटेल कैरियर भारती एयरटेल आएगा। तो इस पर आप लोगों को पहले वाले पेज पर ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐसी साइट ओपन होगी जिस साइट के जरिए आप लोग अप्लाई करेंगे। तो यहां पे करंटली जो भी वैकेंसीज हैं, जो भी जॉब की ओपनिंग है उसकी मैं बात करूं, फिलहाल इसमें करीबन 4000 के आसपास पदों का रिक्रूटमेंट दिया गया है। यहां पे देखिए 4654 ओपनिंग जॉब यहां पे दे रखी है। तो आप लोगों को अभी यहां पे डिमांड कर रखी है तो आप समझ सकते हैं कि अभी इसमें कितनी फिलहाल जॉब की रिक्वायर है। इसमें जो नए स्टूडेंट हैं, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, उनके लिए भी यहां पे डिमांड होगी, एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए भी डिमांड होगी, और जो पार्ट टाइम के लिए हैं उनके लिए भी होगी, जो फुल वर्क के लिए भी हैं उनके लिए भी यहां पे होने वाली है। यहां पे इन 4000 में करीबन अकाउंटेंट होगा, सेल्समैन होगा, मैनेजर होगा, एचआर होगा, और होम डिलीवरी वाला होगा या फिर डिलीवरी मैन होगा या फिर डीलर होगा या रीसेलर्स होगा। सबकी पोस्टेज में 4000 में दे रखी है। जॉब लोकेशन आप किस सिटी में करना चाहते हैं वो अपने आसपास से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, फिल्टर करके यहाँ पे लगा सकते हैं। फील्ड, कौन सा फील्ड आप लोगों को लेना है वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी होगी, मैनुअल करेंगे, मैनुअल सारी चीज़ें अपन बात करेंगे। ये पहला ऑप्शन है। पहले एक चीज़ की क्लियरिटी कर लेते हैं अपन। अगर आप पोस्ट के जरिए आवेदन करना चाहते हैं तो उस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पे अकाउंटेंट मैनेजर हरियाणा से निकली हुई है, और TSM की बात करें ये उत्तर प्रदेश से, इंजीनियरिंग की महाराष्ट्र से, या एयरटेल बिजनेस की कस्टमर एक्सपीरियंस या डायरेक्टर की पोस्ट की बात करें कर्नाटका, EM की बात करें हरियाणा, या TSM तेलंगाना, यह ऐसे कई भारत के अलग अलग राज्यों से निकली हुई है। आई होप कि ये भी आप लोग समझ चुके होंगे। इसमें एक चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण होगी, आप लोगों को परमानेंटली इसमें आवेदन करना है तो आप लोग इसमें यहाँ पे क्लिक करें अकाउंट पे। अकाउंट पे क्लिक करते आप लोगों को ईमेल यहाँ पे लॉगिन करनी होगी। मान लीजिए आपकी जो भी यहाँ पे ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे लॉगिन करनी है। लेकिन एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट हैं, वो नए स्टूडेंट हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, आपको एक PDF तैयार करनी होगी। PDF में क्या लिखना है ये भी अपन बता देते हैं, जिसे रिज्यूम बोल CV बोलते हैं या रिज्यूम बोलते हैं। उसकी बात करें तो अपन आप उसमें अपना नाम, बायोडाटा, एड्रेस और क्वालिफिकेशन, और क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस है वो भी आप लोग इसमें लगा सकते हैं। मान लीजिए एक्सपीरियंस नहीं है तो आपकी क्वालिफिकेशन के साथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है सारी चीज़ें आप लोग लगा दीजिएगा, और लगा के यहाँ पे एक बार सबमिट या अपलोड कर दीजिएगा। फिर आपके पास ईमेल या कॉल आपके पास उपलब्ध होगा और कंपनी आपको रिक्वायर हायरिंग कर लेगी। उसके बाद आप लोगों को आपके आसपास क्षेत्र में कहीं पर भी आप लोगों को जॉब मिलने के चांसेस बन जाएंगे। आई होप कि ये आप लोग सभी करेंगे। कुछ नहीं ना, सिंपल है। ईमेल आईडी आप लोगों को, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, जैसे मैं यहाँ पे एक कोई भी एक ईमेल आईडी डाल लेते हैं, ये वाली ईमेल आईडी आप खुद डाल के देख लीजिए अपने अकाउंट। अगर नहीं डाल पा रहे तो मुझे कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, कहीं पर भेजिए, मैं खुद आप लोगों का फॉर्म यहाँ पे फिल करके दूंगा।
ये भी आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पे ईमेल डालेंगे तो बस आगे नेक्स्ट मांगेगा नेम और कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी और रिज्यूम। बस ये तीनों चीज़ें आपके पास, तीनों से चारों चीज़ें आपके पास होगी। अब होते ही आप लोग इसे यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, नीचे पीडीएफ के रूप में उसे अपलोड कर दीजिएगा और अपलोड करके सबमिट कर दीजिएगा। आई होप कि ये भी आप लोग समझ चुके होंगे। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अब मैं बात कर रहा था जॉब के बारे में, यहाँ पे कौन से पोस्ट के लिए आप लोगों को अप्लाई करना है उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। तो यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एक्सपोर्ट पे क्लिक किया। कहीं पर भी आप लोग क्लिक करते हैं इस वाले पेज पे, यहाँ पे कर लीजिए क्लिक, या फिर कहीं पर भी इसमें क्लिक करते ही आपके पास एक नया टैब ओपन हुआ और नया टैब ओपन होते ही ये दिखेगा। अब फिल्टर आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लें किस कंट्री में, लोकेशन पे, माई लोकेशन पे, या कहीं पर भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपके आसपास, जैसे कि माई लोकेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरे आसपास की लोकेशन की मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की है, तो यहाँ पे वो नियर भी जो भी लोकेशन होगी यहाँ पे उपलब्ध होगी। लेकिन फिलहाल अभी मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा की या फिर उत्तर प्रदेश की। एक फॉर्म अपन को भरना है, इसमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखिएगा TSM की जो पोस्ट है उत्तर प्रदेश से निकली हुई है। इसमें सिल्क सर्टिफिकेट या फिर क्वालिफिकेशन की बात करें, MBA की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इसमें फुल टाइम ग्रेजुएशन वाला युवक ही इसमें जॉब कर सकता है। एक्सपीरियंस किसकी डिमांड की गई है, तो इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें नहीं है कि बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट की यहाँ पे जॉब की गई है। जॉब वर्किंग किस तरीके से आपको जॉब वर्किंग करनी है, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को क्लियर करनी होगी, जब जाके आप लोग इसमें देखना होगा। आई होप कि ये भी आप लोग समझ चुके होंगे। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी है और आप लोगों को समझाने की काफ़ी हद तक कोशिश की है। आप लोग किसी भी पोस्ट पे जाएं, कहीं पर भी जाएं, किसी के लिए भी आवेदन करें कर सकते हैं। आप अपने दोस्त के लिए आवेदन कर सकते हैं, आप अपने सिस्टर के लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक 18 साल से कम उम्र हो चुकी है या फिर आप नहीं करना चाहते, ये कोई भी पोस्ट हो, सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। बस आपको एक बार अपनी किस्मत यहाँ पर आजमानी होगी। उम्मीद करेंगे कि आप लोग अपनी सिटी और अपने शहर में जॉब करना चाहते होंगे, तो आप ये आज अभी आवेदन करें। और मैं आपको फिर से लाइन दोहरा देता हूँ, बिना पैसा खर्च किए आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार का पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाएगा, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आज का इतना ही, नए अपडेट के साथ फिर एक नई वीडियो की शुरुआत करेंगे। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।